कहते हैं मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। बालाकोट से नारायण की ड्राइव पर हमने ऐसे ऐसे नज़ारे देखे जिसे देख कर लब पर सिर्फ एक ही आवाज़ है, सुभान अल्लाह। कैनूल के नाम से कोई जगह है जहाँ पे अभी हम रुके हैं, क्योंकि आबशार से कूलर भरना है। इतना खूबसूरत आबशार है, इतनी ज़बरदस्त किस्म की फोटोग्राफी हुई है, पिक्चर्स देखेंगे आप, चेक करें। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए तो वो शीशा तलाश कर। मैं ये सोच रहा हूँ कहीं मैं पूरी वीडियो इसी में ना निकाल दूँ कि ये देखो कितना खूबसूरत मंजर है, ये देखो कितना खूबसूरत मंजर है, लेकिन क्या करूँ मैं, देखो ना कितना खूबसूरत मंजर है। Welcome to Naran. यार नारायण की चढ़ाई चढ़ के मुझे मरी का माल लुट याद आ गया, वहाँ पे भी ऐसी चढ़ाई थी। इतने सफ़र के बाद आराम तो ज़रूरी था, रात को नारायण की मार्केट में निकलो तो ये सोच लेना अगर ठंड बहुत होगी जैकेट वैकेट लेके मफलर लेके उतरना, और अगर फिर भी ठंड ना रुके तो खुश्क मेवों को इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हम पहुंचे पंजाब टिक्का हाउस। मैं जाना था 9 बजे, सब ने कहा था कि 8 बजे उठ जाएंगे ताकि 9 बजे तक। हमें जाना था 9 बजे, सबने कहा था कि 8 बजे उठेंगे रेडी वेडी होके, 9 बजे तक निकलेंगे, हमें यहाँ पे ड्राफ्टिंग वगैरह करनी है और दूसरी बहुत सी चीज़ें जो नारायण में करने की हैं वो ट्राई करनी है, इसके बाद हम आगे की तरफ निकलेंगे। तो जब तक हम रेडी होते हैं तब तक आप होटल के व्यूज़ चेक करें। गुड मॉर्निंग नारायण, तो अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने। oh, yes. अली भाई मौसम के बारे में कुछ टिप्पणी दीजिएगा। मौसम इतना दिलकश मौसम मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा, बहुत इतना प्यारा, इतना हसीन और दिल फरे पंजर, ठंड के साथ साथ बारिश भी और फिर हमें इतने नज़ारे भी देखे, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। Thank you.
अबे जगह तो बड़ी खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत है। हमजा आपको कौन सा पोस्ट चाहिए? मुझे यहाँ का पोस्ट चाहिए और एक काम करो अपना छाता भी दे दो। ये लीजिए भैया, दीदी अली वाला पोस्ट बनाना जो नहीं था शाहरुख खान अपने अंदाज में, ये करता था, ये मुझे बड़ा पसंद है। डन, हर जगह लोकेशन भी बनाऊंगा ये, तो आपको वाली मेरी पिक्चर ले, वीडियो को थोड़ी देखिए स्टॉक में। हेलमेट मिलेगा? येलो वाला दीजिएगा। फाइनली हम तैयार हो गए। आर यू रेडी बॉस? यस सर, इंशाल्लाह गोइंग टू पानी थदो थदो, गोइंग टू पानी थदो थदो। ये सब नारायण जी मोटिंग ऐसा के थदो थदो पानी में हाल खराब करी दिया। आसिफ भाई वेरी वेरी आप वेरी वेरी फिशरमैन लग रहे हैं, डर भी लग रहा है। वजह ये नहीं है पानी की गहराई, वजह है कि पानी ठंडा बहुत है ना। अगर गिर गए अल्लाह ना करे तो गिरा ना तो कुल्फी बन जाएगा दो मिनट में ना। लेकिन हमारे साथ जाहिर है कैप्टन साथ है हमारे साथ। असल में हमारा माइंड तो पहले से बना हुआ था कि हम ये क्राफ्टिंग वगैरह करेंगे, लेकिन इशू ये है कि मौसम काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि बारिश हो रही है तो ये थोड़ा रिस्की काम है। लेकिन क्या वो नहीं है वो ड्यू वाले क्या कहते हैं, ड्यू वाले क्या कहते हैं, डर के आगे जी जीते। ऐसी कितने बैठे आऊँ मैं, ऐसी कितने चढ़ जाऊँ सुनने जी 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 समझ गया। ठीक है प्रॉपर आप दोनों भी लेंगे भाई, सेंटर वाले को दे अगर मेरे वाले के लिए बड़ा शॉट लग रहा है। हां किसी नहीं पेडलिंग एक साथ करनी है आज पानी बहुत ही ज्यादा है। ठीक है काचो फॉलो कर लिए, वेरी गुड, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। खतरनाक हम लोगे, बहुत नाजुक सुरते वाले, नाजुक सुरते वाले। ज्यादा बारिश आई है तो ज्यादा पानी आ गया है। मतलब मेमोरेबल रहेगा ये भी, ये वीडियो व्लॉग में आए या ना आए, ये वीडियो में बस जिंदगी भर याद है। अली भाई अब आप थोड़ी राफ्टिंग करें, मैं बहुत थक चुका हूँ। मतलब अभी ये जो लहर आई थी ना जो जिसने हमें पूरा डामाडोल कर दिया, उस लहर ने मुझे ये फैसल भाई क्या कहना चाहिए, ऊपर से नीचे तक ठंडा कर दिया हमको। बहुत मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रही है जी। अब आएगा पानी, ये देखो ये हमारी कश्ती को ये देख ले। ये हमारा स्टॉप कहाँ है, स्टॉप कौन सा है, लेट करा दे लेट करा दे सारे पैसे इसी चीज के। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअददी कतरात अलअबहार। अबहार कितने दरिया के कतरे, अल्लाह ताला इन सब कतरों के बराबर हुजूर पर दुरूद पाक नाज़िल फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो भी थी ये बारी जी से तो हम
सैफुल मुल्क झील पहुंच चुके हैं। यहाँ बहुत ठंड है, तो मेरे एक दोस्त इरफान भाई ने मशवरा दिया है कि आप वार्म अप करें तो आपकी ठंड खत्म हो जाएगी। तो वार्म अप करते हैं थोड़ा बहुत, इस तरीके से करके दिखाएं थोड़ा सा। आप करें, कर दें आप थोड़ा वार्म अप के जब पैदल जंपिंग करें, पाँव के जोड़ सारे खोलें, हमारे जिस्म के अंदर गर्मी पैदा होगी, उसके जिस्म की हरारत की वजह से बाहर की ठंडक जो है ना उसका मुकाबला करेगी। और जो ऑक्सीजन कम है जिसकी वजह से मैं हाँ पाऊँगी उसका क्या,